छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से टिकट वितरण हुआ है और लगातार जो कई ऐसे सीट है वहां से टिकट की उम्मीदवारी जो कर रहे थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं एक आक्रोश का स्वरूप, एक समर्थन का स्वरूप, जोश, ऐसे तमाम तस्वीरें इस वक्त प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से नजर आ रही है। और इसी क्रम में राजधानी रायपुर से भी एक तस्वीर सामने आई है जहां पे महापौर एजाज ढेबर के समर्थन में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता उतरी है। दक्षिण से मांग हो रही थी कि टिकट दिया जाए, लेकिन अब जब दक्षिण क्षेत्र से टिकट की प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, उत्तर क्षेत्र से मांग करी जा रही है। महापौर एजाज ढेबर जी हमारे साथ नहीं, इसको विरोध नहीं बोल सकते। ये इन लोगों का प्यार है, इन लोगों का प्रेम है, क्योंकि अभी तक के ये लोग ने किसी ने भी किसी के विरोध में बात नहीं करी। अब मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ कि राम सुंदर दास जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बेटर कैंडिडेट हैं, और इस बार जो दक्षिण का किला है उसमें हम फतेह पाएंगे। आप पहले से दावेदारी कर रहे थे, पहले से ही चर्चा थी कि दक्षिण से दी जाए, पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, ये कहेंगे? नहीं, पार्टी ने समर्थन नहीं दिया जाएगा। टिकट तो 90 बांटना है। मैंने अपने तरफ से दावेदारी की है, नहीं मिली, कोई बात नहीं। समर्थक लोग ने बहुत मेहनत की थी तो उन लोगों को तकलीफ है। उत्तर से अब उम्मीद है? नहीं, देखो, मैं तो कहीं से भी, मतलब मैं तो चारों विधानसभा कहीं से भी लड़ना चाह रहा था, कहीं से भी मुझे टिकट और नहीं भी मिलेगी तो मैं कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में झंडा लगाने का काम करूंगा, उसको जिताने का काम करूंगा। बिल्कुल। तो ये थे महापौर एजाज ढेबर, जिन्होंने खास तौर पर हमसे चर्चा की, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उम्मीद है कि टिकट मिलेगी। बहरहाल दक्षिण क्षेत्र से नहीं मिला, अब उम्मीदवारी जो है उत्तर क्षेत्र से जताई जा रही है। बहरहाल ये उम्मीदवारी की उम्मीद क्या पूरी होती है, क्या उत्तर विधानसभा क्षेत्र से एजाज ढेबर को टिकट दिया जाता है, जो जन समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं, इन समर्थकों के उम्मीदों पर पानी फिरता है या टिकट मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। समय सहयोगी डीके सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, सारना न्यूज रायपुर।